तो आप ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये है गांधी जी का घर। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा पिछले दो वीडियोस में, हमने आपको दिखाए अहमदाबाद के अलग अलग टूरिस्ट प्लेसेस, और अब फाइनली हम आ गए हैं गांधी आश्रम में। बट उससे पहले, अगर आपने इससे पहले की दो वीडियोस नहीं देखी, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। तो अब हम लोग आ गए हैं साबरमती आश्रम, यानी कि गांधी आश्रम पे। आश्रम यानी आवर्श्रम, एक कम्युनिटी लिविंग होता है। वहाँ पे हर धर्म के लोग आ सके सकते हैं, रह सकते हैं, पर आश्रम के रूल्स रेगुलेशन होते हैं, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जर्वेंस, उसको फॉलो करना होता है। 12 रूल्स जो फॉलो कर सकते थे उसको रहने मिलता है। तो गांधी जी ने अपनी लाइफ में 5 आश्रम बनाए, और बहुत लोग गांधी जी को मिलने के लिए आते थे, क्योंकि वो जाने माने लीडर तो वहाँ ही सबसे ही थे। बहुत लोग मिलने के लिए आते थे। वो टाइम में गांधी ने सोचा कि आश्रम को दूसरी बड़ी जगह पे शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लोग संक्रमण से मारे जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ी ज़मीन उन्होंने परचेज किया, बाकी की जो ज़मीन है वो यहाँ के जाने माने जो बिजनेस क्लास पीपल थे, जो टेक्सटाइल मिल वाले थे, उन्होंने लॉन्च किया। मंगलदास ने भी दिया था हवेली, बताइए। और फिर पूरी ज़मीन परचेज करके आश्रम यहाँ पे शिफ्ट किया। 1970 में गांधी नहीं थे यहाँ, आश्रम बनाना शुरू किया। फिर तो यहाँ 12 साल के रहे, 1930 तक। 1930 में स्वर्ण कुमार निकालू गांधी यात्रा, वो टाइम में प्रतिज्ञा करके गए थे कि मैं कुछ नहीं, कोई की मौत मर जाऊंगा, लेकिन स्वराज्य बिना वापस नहीं। तो जब तक स्वराज्य नहीं मिले तब तक गांधी जी को वापस आना ही नहीं था। तो गांधी जी 1930 के बाद कभी भी यहाँ नहीं आए। तो भारत आजाद हो गया, 6 महीने में नथुराम गोडसे ने उर्दू बोली, एसएससी ने, तो यहाँ आने का चांस मिला ही। तो उनका मरने के बाद उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया था, वो ट्रस्ट गुजरात सरकार और भारत सरकार तीनों ने मिलकर आश्रम पब्लिक प्लेस पर रखने का डिसाइड किया। तो ये 3 म्यूजियम है जिसको आज़ादी के बाद बनाया गया। 1963 में जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस आश्रम पब्लिक के लिए खोला। अशोकात्री है ना सामने, ये जवाहरलाल नेहरू ने प्लांटेशन किया 1963 में। तब से ये आश्रम पब्लिक के लिए विजिट करने का। यहाँ 3 म्यूजियम है, आपको खुद देखना है, इसमें गाइड की जरूरत नहीं, सब लिखा है। 3 म्यूजियम है, गांधी जी ने अहमदाबाद पिक्चर गैलरी और मेरा जीवन ही मेरा संदेश। इस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे पर बना है। तो आप ये जो मेरे पीछे घर देख रहे हैं, ये है गांधी जी का घर, और गांधी जी यहाँ रहा करते थे। और अब अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ आप सब लोगों को भी गांधी जी का घर और उनका कमरा, किचन वगैरह सारी चीज़ें। तो अब जल्दी से अंदर चलते हैं, बाहर जूते उतार के ही अंदर जा सकते हैं हम लोग, और अंदर शूज अलाउड है करना, कर सकते हैं, पूरा आश्रम में ही कर सकते हैं, हम तो कर भी रहे हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अब जल्दी से अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ कि गांधी जी का रूम कैसा था। उनका कुछ सामान भी है अंदर, वो भी देखेंगे और आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे गांधी जी का कमरा, जहाँ पर वो देश विदेश के लोगों से मीटिंग किया करते थे, और यहाँ उनका चरखा भी रखा हुआ है। उसके बाद घर के अंदर जाकर आप देखेंगे घर का आंगन। इस आंगन के लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कस्तूरबा गांधी, यानी के गांधी जी की वाइफ का रूम। इस रूम के आगे वाला जो रूम है वो है गेस्ट रूम।
जो कि मेहमानों के ठहरने के लिए बनाया था। फिर इसके बाद सामने की ओर है किचन। और यहां पर गांधी जी के इस्तेमाल किए हुए कुछ बर्तन और गांधी जी की कुछ चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि ये चश्मा और ये लकड़ी के चप्पल। बाकी इस आश्रम में आप म्यूजियम भी घूम सकते हैं, यहाँ पर 3 म्यूजियम हैं और भी कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। पर फिलहाल हमें जाना है होटल अपना सामान लेने और वहाँ से फिर हम जाएंगे एयरपोर्ट। तो अभी हम लोग आ गए अहमदाबाद एयरपोर्ट पे दिल्ली जाने के लिए वापस, और अभी जो हमारी फ्लाइट है वो 10:45 की, अभी 7:30 बज रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए थे क्योंकि जो पहले हमारी ट्रेन वगैरह छूट गई थी उससे थोड़ा सा डर लग रहा है कि हमारी कहीं फ्लाइट भी ना छूट गया, तो इस वजह से हम लोग जल्दी आकर यहाँ पर बैठ गए। अभी दो और बैठना है, एक डेढ़ घंटा और बैठना है अभी ऐसे ही, फिर उसके बाद चलते हैं अपनी ट्रेन की तरफ और वापस दिल्ली। तो इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी ये वीडियो और ये ट्रैवल सीरीज़। अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज़ पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही आगे और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।